असलम दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं और आपने सेवन एट सिक्स पर एस एम एस किया हुआ है और आपको नहीं पता चल पा रहा कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं तो दोस्तों अगर आप वेब पोर्टल के जरिए जानना चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने पैसे चेक कर सकते हैं जैसे आप इक्यासी इकहत्तर या एहसास प्रोग्राम के पैसे चेक करते थे वेब पोर्टल के जरिए अब आप सत्तौ प्रोग्राम के भी पैसे चेक कर सकते हैं वेब पोर्टल के जरिए लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जो ये पहले वाला वेब पोर्टल है अगर इस पर जाकर अगर आप चेक करते हैं तो आप सात के पैसे चेक नहीं कर सकते सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करना चाह चाहें तो वो कर सकते हैं अगर आप सात प्रोग्राम के पैसे चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और वेब पोर्टल है जो अभी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो आपने इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक एस नहीं किया सात पर तो सबसे पहले तो आपको एसएमएस एस करना होगा जब तक आप एस नहीं करेंगे तो आप वेब पोर्टल के ज़रिए नहीं जान पाएंगे कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं सबसे पहले मेन प्रोसेस यही होता है कि आपको अपने ही सिम पर अपने ही शनाख्ती कार्ड को भेजना होगा सात पर और उसके बाद आप जाकर चेक कर पाएंगे कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं तो दोस्तों काफ़ी लोग ग़लती भी करते हैं जब वो मैसेज करते हैं तो काफ़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से हुकूमत के पास उनका जो है ना मैसेज बल्कि जाता ही नहीं अगर जाता है तो उसमें काफ़ी गड़बड़ होती है जिसकी वजह से उन्हें ना अहल कर दिया गया तो पहले आपको इन बातों का थोड़ा सा ख्याल करना होगा ताकि आपका मैसेज हुकूमत के पास जाए और आपको अहल कर दिया जाए और हुकूमत से आपको पैसे भी मिल जाएँ सबसे पहले जब भी आपने मैसेज करना है अपनी ही सिम से करना है किसी और की सिम नहीं लेनी मतलब यह जिस शनाख्ती कार्ड से आपने एस एम एस करना है उसी शनाख्ती कार्ड पर वो सिम निकली हुई हो और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने मैसेज में शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है उसमें आपने डैश नहीं लगानी और तीसरे नंबर पर आपने ये खास ख्याल रखना है कि जब आप एस एम एस करें तो आपकी सिम में दो से तीन रुपये होना ज़रूरी है अगर आपकी सिम में बैलेंस नहीं हुआ तो मैसेज आपका नहीं जाएगा तो इसलिए अगर फिर भी अगर आपका मैसेज ना जाए तो फिर आपने अपनी सिम चेंज करनी है ताकि दोबारा से आपने फिर मैसेज करना है आपका मैसेज हुकूमत के पास चला जाएगा और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद आपको वेब पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपके जो है ना अपने पैसे चेक करने हैं तो अब भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने पैसे चेक करना चाहते हैं तो वो किस तरीके करेंगे तो दोस्तों हुकूमत की तरफ से ये बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि जो लोग ऑनलाइन अपने पैसे चेक करना चाहते हैं वेब पोर्टल के ज़रिए तो हुकूमत ने कहा है कि अभी तक तो हमने वेब पोर्टल नहीं इसका लॉन्च किया और बहुत जल्द हम उसका वेब पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं अगर आप वेब पोर्टल के ज़रिए चेक करना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी एच बी एल ब्रांच में जाकर आप अपने पैसे चेक कर सकते हैं अपना आपने सिर्फ़ शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है और उनको देना है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं अगर आप घर पर बैठे ही चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जल्द वेब पोर्टल हुकूमत की तरफ से आने वाला है जो ही आएगा तो मैं इसी चैनल पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा ताकि आपको भी पता चल पाए और आप भी उस वेब पोर्टल के ज़रिए अपने पैसे चेक कर पाएँ तो अभी तक नहीं आया तो इसलिए अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जो ही आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर बता दूँगा